अगले महीने तक देश में 64 लाख लोगों के कोरोना संक्रमित हो जाने का अनुमान, आईसीएमआर के सीरो सर्वे में हुआ खुलासा। पूरा जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिला तो खर्च में 3.4 लाख करोड़ रुपए की कमी कर सकते हैं राज्य, आईसीआरए की रिपोर्ट में जताई गई आशंका। 1950 के बाद भारत पर सबसे बड़ी मंदी का संकट, इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% गिरावट का अनुमान। मछली पालन करने वालों के लिए पीएम ने लॉन्च की 20,050 करोड़ की योजना, 55 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। सस्ते में मकान और दुकान खरीदने का मौका दे रहा पीएनबी, मेगा ई नीलामी के जरिए पीएनबी वसूलेगा कर्ज। एसबीआई के मर्जर का नहीं है यस बैंक का कोई प्लान, आरबीआई को लौटाए पूरे 50,000 करोड़। मुकेश अंबानी बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स, वॉरेन बफे और एलन मस्क को छोड़ा पीछे। बीते 50 दिन में रिलायंस का मार्केट कैप रोजाना औसतन 7,300 करोड़ रुपए बढ़ा, 15 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंचने वाली देश की इकलौती कंपनी। अंबानी वेजोस में हो सकती है सबसे बड़ी डील, मुकेश अंबानी के रिटेल कारोबार में अमेजन को 40% हिस्सेदारी खरीदने का मिला ऑफर। टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन से बातचीत कर रही है बाइट डांस। 15 सितंबर से अमेरिका में टिकटॉक हो जाएगी बैन।